श्री श्री मनकीनम्मा देवी दुर्गा उत्सव समिति एवं स्वच्छता जन कल्याण समिति तथा पर्यावरण मित्र मंडली के संयुक्त तत्वाधान में जवाहर नगर स्थित श्री श्री मनकीनम्मा देवी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए एवं साफ एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण के लिए वृहद वृक्षारोपण किया गया। स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में श्री श्री मनकीनम्मा देवी दुर्गा उत्सव समिति एवं स्वच्छता जन कल्याण समिति तथा पर्यावरण मित्र मंडली के द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत श्री श्री मनकीनम्मा देवी मंदिर जवाहरनगर के मंदिर परिसर के इर्द गिर्द बड़े वृक्षों के पौधों का रोपण किया गया, जिससे मंदिर परिसर के सौंदर्य में वृद्धि हो सके और स्वच्छ और सुंदर भिलाई की परिकल्पना साकार हो सके। साथ ही मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके पूर्व श्री श्री मनकीनम्मा देवी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा जनहित के कार्यों और भिलाई को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए समिति की सराहना भी की जा रही है। समिति के सदस्यों ने इन पौधों को बड़े वृक्ष बनने तक की जिम्मेदारी भी ले ली है। लगातार इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए श्री श्री मनकीनम्मा देवी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मंदिर परिसर को धीरे धीरे भव्य रूप भी दिया जा रहा है। समिति के महासचिव गणपति राव ने वृक्षारोपण के उद्देश्य को मीडिया से साझा किया है। श्री मनकीनम्मा देवी दुर्गा उत्सव समिति, स्वच्छता जन कल्याण सोसाइटी तथा पर्यावरण मित्र मंडली के द्वारा सौजन्य से आज श्री माँ मनकीनम्मा देवी मंदिर के सामने में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मेन है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आज का यह कार्यक्रम को सफल किया गया। मंदिर की स्थापना जो है 60 वर्ष पहले किया गया है और लगातार इसमें पूजा का कार्यक्रम अपने ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है और मंदिर के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए छायादार वृक्ष का आज वृक्षारोपण किया गया है। गौरतलब है कि भिलाई महापौर नीरज पाल की परिकल्पना स्वच्छ और सुंदर भिलाई को साकार करने के लिए अब कई धार्मिक और सामाजिक संस्था भी सामने आ रहे हैं और स्वच्छता के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।